असलकुम आज हम फिज़िक्स के सिंपल हारमोनिक मोशन एंड वेव्स वाले चैप्टर में से खादा पेंडोलम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं जी सिंपल पेंडोलम क्या होता है उसकी साख्त के बारे में बात करेंगे और ये साबित करेंगे कि सिंपल पेंडोलम का मोशन सिंपल हारमोनिक मोशन है तो सबसे पहले जी सिंपल पेंडुलम होता क्या है साधा पेंडुलम मास एम की एक छोटी बारी गोली पर मुश्तम होता है मतलब एक बॉब होती है जिसे हम एक धागे से बांध के लटका देते हैं अभी नेक्स्ट में आपको इसकी जब डायग्राम दिखाता हूँ तो ये एक्सप्लेन हो जाएगा तो सादा पेंडुलम की साख क्या है कि एक भारी गोली है जिसे एक धागे से बांध कर एक स्पोर्ट के साथ लटका दिया जाता है तो वो बन जाती है सादा पेंडुलम। तो अब ये देखिए ये शक्ल में दिखाया गया है ये सिंपल पेंडुलम है जिसमें एक बॉब मैस एम है जिसका और उसको हमने एक धागे से बांध के लटकाया हुआ है ये अपनी वस्ती पोजीशन पर लटक रही है तो ये मज़बूत धागे के साथ इसको लटकाया हुआ है तो अब ये देखें वस्ती पोजीशन पर जो गोली का वज़न है वो नीचे की तरफ अमल कर रहे हैं और आ, आपको पता है कि हर अमल का एक अमल होता है टू तो एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल एंड अपोज़िट रिएक्शन तो उसकी वजह से डोरी में टेंशन टी पैदा होगा तो टेंशन टी और डब्ल्यू जो हैं वो आपस में इक्वल हैं और अपोज़िट हैं तो इस वजह से वस्ती पोजीशन पर गोली पर नेट फोर्स ज़ीरो लग रही है अगर अब हम इस गोली को पॉइंट ओ पर ले आए हमने इस गोली को मूव करवाया पॉइंट ओ पर तो अब यहाँ पर जो फोर्स है वो एंगल बन गया ना उसका तो अब फोर्स को दो कंपोनेंट्स में हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है एक कंपोनेंट बनेगा एम जी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट बनेगा एम जी साइन थीटा तो अब क्या होगा कि ये जो एम जी कॉस थीटा है ये टेंशन टी के देखें बिल्कुल डायरेक्शन में उसके अपोजिट अमल कर रहा है तो इस वजह से एम जी कॉस ठीटा जो होता है वो टी डब्ल्यू का जो है ना उसको वो कैंसिल कर देगा तो लिहाजा अब जो बॉब है वो इसकी सीमत में मूव नहीं कर सकती तो अब बॉब पर जो लग रहा है सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है वो है एम जी साइन थीटा तो एम जी साइन ठीटा जो फोर्स का कंपोनेंट है उसकी वजह से ये जो बॉब है ये पोजिशन ए से ओ की तरफ मूव करेगी लेकिन अनरशिया की वजह से ये पॉइंट ओ पर रुकेगी नहीं बल्कि पॉइंट बी पर चली जाएगी पॉइंट बी पर जब ये पहुंचेगी तो इस पर फिर फोर्स अमल करेगी और ये वापस फिर पॉइंट ओ की तरफ आएगी तो इस तरह से ये जो बॉब है ये ए और बी के दरमियान मूव करती रहेगी तो इसको मैं और ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ ये देखिए कि जब हमने इसको मैस एम अब ये ए और बी के दरमियान जो बॉब है वो मूव करती रहेगी तो अब मैं थोड़ा सा इसको मतलब करता हूँ एक्सप्लेन कि इसमें हो क्या रहा है जब बॉब पॉइंट ए से ओ की तरफ मूव कर रही है तो इसकी स्पीड बढ़ रही है तो जब ये स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी पॉइंट ओ की तरफ होगी अब पॉइंट ओ से जब ये पॉइंट बी की तरफ जा रही है तो बॉब की स्पीड कम होती है क्यों कम हो रही है चूँकि ये मतलब रिस्टोरिंग uh, फोर्स मतलब लग रही है पॉइंट ओ की तरफ तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है तो उसका एक्सलोरेशन क्या होगा नेगेटिव होगा और नेगेटिव एक्सलोशन मोशन के अपोजिट होता है तो इसलिए एक्सलेशन फिर किस तरफ होगा पॉइंट ओ की तरफ होगा अब जब ये बी से ओ की तरफ आएगी तो बॉब की स्पीड फिर इंक्रीज होगी तो फिर एक्सलरेशन जो है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा और पॉइंट ओ की तरफ होगा तो इस तरह देखें कि मतलब गोली का जो एक्सलरेशन है जब वो ए से ओ की तरफ आ रही होती है तो एक्सलेशन पॉजिटिव है और जब ये ओ से ए की तरफ जा रही है तो एक्सरेशन नेगेटिव है तो दोनों सूरतों में जो एक्सलरेशन है वो वस्ती पोजिशन की तरफ रहता है तो यही सिंपल हारमोनिक मोशन की शर्त है तो अब इसमें यह देखिए कि जब अगर आप गोली का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करेंगे अगर सपोज़ कि आप इस पॉइंट बी से इसको यहाँ पे ले जाएं तो इसको छोड़ेंगे तो ये ज़्यादा तेज़ी के साथ आएगी इट मीनस के वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा है स्टोरिंग फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा है तो लहाजा इससे ये साबित हो रहा है कि ये जो नंबर वन बात पहली बात है मैं इसको तीन पॉइंट में डिस्कस करूँगा पहला पॉइंट जो ये है कि ये वाइब्रेटरी मोशन है कि एक ही पोजीशन के बॉडी अपनी मोशन को बार बार दहरा रहा है दूसरी बात इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब कि जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ही ज़्यादा लगेगी तीसरी बात फोर्स की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ओ की तरफ रह रही है क्योंकि देखें ना एक्सलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है तो हमने साबित किया है कि एक्सलेशन की डायरेक्शन जो है वो पॉइंट ओ की तरफ है तो पास साबित हुआ कि जो फोर्स है वो भी पॉइंट ओ की तरफ ही लग रही है पूरे मोशन के दौरान तो ये तीन बातें साबित हो गई तो ये तीन बातें जब साबित हो गई तो कि वाइब्रेटरी मोशन है रिस्टोरिंग फोर्स डिसप्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है और रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि एक्स या फोर्स की जो डायरेक्शन है वो पॉइंट ओ की तरफ रहती है तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि सादा पेंडोलम का जो मोशन है वो सिंपल हारमोनिक मोशन है तो अब इसमें जो है वो विलासटी की चंद बातें कर लें कि जब ये पॉइंट ओ पर गोली हो आती है ना ए से जब ए पर जो बब है जब आप इसको ए पर लेकर गए तो वह एट रेस्ट है इसकी वलासटी जो है वो ज़ीरो है तो जब आप इसको पॉइंट ए से छोड़ेंगे तो ये पॉइंट ओ की तरफ मूव करेगी तो इसकी विलासटी जो है वो इनक्रीज़ होगी पॉइंट ओ पर विलासटी मैक्सीम होगी और जब ये ओ से बी की तरफ जा रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है कम हो रही है और बी पर जाते जाते ज़ीरो हो जाएगी तो कहने का मकसद ये है कि ये जो बॉब है इसकी वस्ती पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है और जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं ए और बी वहाँ पर जो है जो है वो ज़ीरो होती है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है तो लिहाजा अब सारी बात से ये नतीजा निकलता है कि सादा पेंडोलम का जो मोशन है वो सिंपल हारमोनिक मोशन है तो सादा पेंडोलम का जो टाइम पीरियड है उसका फार्मूला है टी इज इक्वल टू टू पाई एल ओवर जी तो इसमें से एल जो है वो लेंथ होती है पेंडोलम की और जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सलोशन है और टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था उस मैथ स्प्रिंग सिस्टम में मैं फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब आप ये बाब को छोड़ते हैं ना पॉइंट ए से तो ये बी पर जाएगी और बी से वापस फिर ए पर जाए आए आ जाएगी तो बॉब को अपना एक मुकम्मल चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है तो सादा पेंडोलम का जो मोशन है वो कुछ इस तरह का होता है ये देखिए कि जब हम इस बॉब को ऐसे छोड़ते हैं तो ये ग्रेविटी और इनर्शिया की वजह से ये इस तरह दो एक्सट्रीम पॉइंट्स ए और बी के दरमियान वस्ती नुकते के इर्द गिर्द इस तरह से ये हरकत करती रहती है तो सादा पेंडोलम का जो मोशन है वो सिंपल हारमोनिक मोशन है लेकिन जी इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है वो फिनिश हुआ अल्लाह हाफिज़